दीवानगी। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमारा सातवां म्यूजिक एल्बम भी प्लैटिनम जुबली मना रहा है, और ये सब मेरे भाई अभिजीत के संगीत की वजह से हुआ है। स्काई ऑडियो कंपनी को आसमान की इस बुलंदी पर पहुंचाने में दो और लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक है मशहूर म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर मिस्टर विक्रांत कपूर अभिजीत मेहता साहब, थैंक यू। और दूसरी वो है जिनकी सुरीली आवाज और दिलकश रूप का जादू हम सबके दिलों पर छाया हुआ है, संगीत की दुनिया का सबसे रोशन सितारा सरगम। हाय हाय सरगम, हाउ आर यू? गुड। ये हैं राज गोयल। राज गोयल, हाय। इनकी सेक्रेटरी आना। हेलो, हाय। एक्सक्यूज मी। ओके, अब याद आया, यू आर अ वेरी फेमस लॉयर। यस यस आई एम। मैंने अपने पूरे करियर में इतनी बेरहमी से किया हुआ कत्ल कभी नहीं देखा। अश्विन मेहता, जिन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया, वे आज हमारे बीच नहीं रहे। मिस्टर मेहता के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने तरंग नाम के एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राज, वो सॉरी, मैं इस तरह फोन नहीं, नहीं प्लीज तकलीफ मत कीजिए। दरअसल राज, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहता साहब के कातिल को मैं अदालत में सख्त से सख्त सजा दिलवाऊं। मैं चाहती हूँ आप उसे बचाएं। आप इस तरंग को कैसी जानती हैं? गुरु हैं वो मेरे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मुझे संगीत सिखाया है उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि प्लीज मेरी खातिर आप एक बार उसे मिल लीजिए। मेरा नाम राज है, मैं सरगम के कहने पर यहाँ आया हूँ। मुझे पता था कि सरगम मेरा साथ जरूर देगी। अच्छा ये बताओ तरंग, ये खून तुमने क्यों किया? सेठ जी तो बहुत अच्छे आदमी थे। इस शहर में जो मेरे सर पर छत है वो उन्हीं की मेहरबानी थी। मेरी धुनें, मेरे गाने उन्हें बहुत पसंद थे। उस दिन तो मेहता साहब के यहाँ क्या करने गए थे? म्यूजिक सिटिंग थी हमारी। मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था कि अचानक एक चीख, मैं भागकर अंदर गया तो फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। याद नहीं? आई थिंक वो आदमी बहुत स्मार्ट है। सोनिया, तुम किसी साइकाइट्रिस्ट को जानती हो? डॉक्टर साहब, मुझे इस केस में आपकी मदद की जरूरत है। कुछ बात करो, अपने बारे में, गांव के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। बाबूजी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक थे। 7-8 साल का था मैं जब वो इस दुनिया से चले गए। बस एक माँ की चिंता लगी रहती थी, लेकिन एक दिन सारी चिंताएं खत्म हो गई। कुएं में से लाश मिली उसकी। राइट मिस्टर भूलर, यू कैन पुट अप योर केस। पिछले 2 सालों से संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाले अभिजीत के गाने अभिजीत के नहीं बल्कि तरंग भरद्वाज के हैं। योर ऑनर, तरंग भरद्वाज के हैं। यहीं से शुरू हुई जलन एक कलाकार के मन में। इल्जाम लगाने लगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद गाने बेचे थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे के सारे गाने चोरी कर लिए। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। मिसेज मेहता अपने पति के कत्ल के बारे में जरूर कुछ जानती हैं। हाँ राज, उसके और उसके देवर अभिजीत के बीच में जो बहस चल रही थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। हमने रिकॉर्ड कर ली। कुछ अकल वकल है कि नहीं आपको भाभी? उस कमीने तरंग को देखकर आखिर क्या हो जाता है आपको? क्यों नजर नहीं मिला पाती आप उससे? क्यों अदालत से उठकर चले गई आप? क्या बताऊं मैं आपको? लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? वो अभी तो नीचे गए हैं वो। सॉरी,
ये आपके पति की। अच्छा तो सिर्फ इतना बता दो कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? बोलने की क्या जरूरत है, प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। ओहो, तो तुमने महसूस किया है कि वो तुमसे प्यार करती है। सो तरंग साहब। चुप साली, बकवास करती हराम खोर, बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। हेलो डॉक्टर। जिसका मुझे डर था वही हुआ, तरंग स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, एक ही इंसान के बिल्कुल दो अलग रूप। राज, राज पहुंच गए। सुनो, अंदर मत जाना। राज, मक्कार धोखेबाज। राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। कौन है वे तू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाते हो उस पर। आपने बताया नहीं कि आप कौन है। ओह सॉरी, रंजीत, तरंग का दोस्त। मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब मिस्टर मेहता का खून तरंग ने नहीं किया? तरंग वो जो ठीक से बात नहीं कर सकता वो खून करेगा। तो ये खून तुमने किया है? ओह माय गॉड। लेकिन क्यों? सारा संगीत चोरी कर लिया उस बेचारे का। एक दिन आया मेरे पास, मैंने बोला जा मार सालों को, बोला नहीं तो रो। फिर आया मेरे पास, रंजीत उन्होंने मेरी सरगम को बर्बाद कर दिया, इज्जत लूटने की कोशिश की। सरगम को अपनी बीवी मानता है। राज, तरंग बेकसूर है, वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। स्प्लिट पर्सनालिटी, भाई वाह। डॉक्टर सेन, हम आपकी नॉलेज की कदर करते हैं, लेकिन आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि तरंग स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है? मैंने खुद तरंग को रंजीत बनते देखा है। आप भी देख सकते थे अगर वो वीडियो टेप अदालत में आपने पेश करने दिया होता। डॉक्टर सेन, बंद कमरे में कैमरा लगा के एक्टिंग तो हम भी कर सकते हैं, उसे छोड़िए, और किसी तरीके से साबित कर सकती हैं आप? हेलो सरगम। राज, तरंग को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें रंजीत को अदालत में लाना होगा। जिस रंजीत को हमने देखा है, अगर जज ने भी देख लिया तो ये साबित हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। मिस सरगम, आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत मिस्टर अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी से की है, राइट? यस। जिस कंपनी ने आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, आपने अचानक उसी कंपनी से अपना रिश्ता क्यों तोड़ लिया? हाँ तो मिस सरगम, आपने बताया नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। स्काई ऑडियो कंपनी की पार्टी की रात मिस्टर मेहता ने आपका बलात्कार करने की कोशिश की थी? उस रात उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मिस्टर बुल्लर, योर विटनेस। योर ऑनर, वैसे तो इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं कि मिस्टर मेहता कैसे आदमी थे, क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी इज्जत को भरी अदालत में उछाला जा रहा है। इस पे
कैसे हो? सर में थोड़ा सा दर्द है बस। तुम्हें कुछ याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी ना राज? तुमने जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया, अब तुम आजाद हो। बस तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। राज, यप, भुल्लर साहब की गर्दन, वो भी ठीक है ना? मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह दोगे? कह दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो जब भी दौरा पड़ता है तो कुछ याद नहीं रहता है। टू मेनी क्वेश्चंस राज। गो होम, एंजॉय योर सक्सेस, चिल आउट। ऐसे क्या देख रहा है बे काले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? तुझे किससे मिलना है? तरंग से, रंजीत से, या दोनों से? नो मिस्टर राज, इट्स इम्पॉसिबल टू रीओपन द केस। कोई भी वकील अपना जीता हुआ केस खुद नहीं खुलवा सकता। कानून के इतिहास में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैडम, अगर हमने उस मुजरिम को सजा नहीं दिलवाई तो कानून की हार होगी। धोखा करेंगे हम कानून के साथ। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा। और इस बीच वो पागल खाने से निकल आया तो? मैं यहां ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहता। यहां मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। कहीं मैं भी अपनी मां की तरह पागल? नहीं नहीं तरंग, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जीने की चाह है। हां तरंग, अगर तुम अपने इलाज में इसी तरह हमारी मदद करते रहे तो बहुत जल्दी यहां से आजाद हो जाओगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस ये समझ लो कि गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे यहां से बाहर निकलने में। थैंक यू डॉक्टर साहब। आजकल मेरा बेटा ना ठीक से खाता है ना ठीक से सोता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर तरुण पागलखाने से छूट भी जाए तो ऐसी क्या मुसीबत आ सकती है। मिसेस गोयल, तरंग ये मानता है कि सरगम सिर्फ उसी के लिए बनी है। जिस दिन भी उसका यह वहम टूटा, कयामत आ सकती है। चलो सरगम, जल्दी चलो, जहां हम दोनों चैन से रह सके। यहां से बहुत दूर। दूर? सारी बातें तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा। चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन मैं अपना सामान तो लेके आती हूँ अपना। यहाँ आए, चलो जल्दी चलो। हाँ भाई, हाँ सरगम मेरे साथ है। जी भाई, जी। फिक्र मत करो सरगम, बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर हम सारी जिंदगी साथ साथ रहेंगे एक नई दुनिया में, जहां सिर्फ तुम होगी और मैं और हमारा संगीत। हमारे सारे सपने पूरे होंगे सरगम, सारे सपने। सरगम, क्या हुआ? पानी। सरगम, हेलो। अच्छा तरंग, कम से कम ये तो बताओ कि हम लोग हैं कहाँ।
मेरे साथ हो, मेरे पास। तरंग, ये लाइट कहीं पुलिस तो? लाइट हाउस है यहाँ। ओह, लाइट हाउस। अंधेरे में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए रोशनी देता है। समझे ना फोन। सरगम! सरगम! राज, राज चले जाओ यहाँ से, राज, राज प्लीज चले जाओ यहाँ से, राज।